मध्य प्रदेश के विदिशा से नकली नोट बनाने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, विदिशा के मोहब्बतपुर गांव निवासी भूपेंद्र धाकड़ को पुलिस ने नकली नोट बनाने के आरोप में पकड़ लिया है। साथ ही आरोपी के पास से प्रिंटर भी जब्त किया गया है। इस संबंध में एसडीओपी उमेश तिवारी ने बताया कि आरोपी को उसके गांव के आसपास से पकड़ा गया है। साथ ही उसके पास 200 के 95 नकली नोट भी बरामद किए गए। सिरोंज से अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। ये मुरवास निवासी भूपेंद्र धाकड़ को गिरफ्तार किया है। इस कब्जे से करीब 95 नकली नोट 200 रुपए के बरामद किए गए थे। मौके पर ही जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये अपने घर में ही कलर प्रिंटर रखता है और सादे कागज पर जो है उसका कलर मतलब फोटोकॉपी करता है और नोटों को ये बाजार में एक 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 दो दो करके चलाता रहता है।